हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना आशुतोष। मैं आज वहाँ पहुँचा हूँ अमृतसर पंजाब, जहाँ मैंने जलियांवाले बाग के न्यू लुक के बारे में काफ़ी सुना था और वही देखने के लिए आज मैं इधर पहुँचा था। तो देखते हैं, आज अंदर एंट्री करते हैं और इन्जॉय करते हैं क्या नया बनाया है। पहले भी मैंने एक इसके ऊपर व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने पुराना लुक इसका दिखाया था। देखते हैं अब नए लुक में क्या इसमें एडिशन किया गया है, क्या इसमें नया जोड़ा गया है। और होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। और आइए फिर चलते हैं जलियांवाला बाग। यहाँ से हम पहली एंट्री करते हैं और ये एंट्री बिल्कुल फ्री है। जैसे ही हम जलियांवाला बाग में एंट्री करते हैं, आपको एक प्यारी सी गैलरी मिल जाएगी जिसमें दोनों तरफ नए पुतले बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे स्कल्पचर बनाए गए हैं दोनों तरफ। आपको यू विल एंजॉय दिस एंजॉय। गैलरी एक से एंट्रेंस के बाद जैसे ही आप आगे निकलते हैं, आपके लेफ्ट साइड में अपने गैलरी लेफ्ट वाली बनाई गई है, जिसके अंदर नंबर पूरे पंजाब को शो किया गया है, जो कि पुराना पंजाब होता था। उसमें उसके बारे में दिखाया गया है, उसके कल्चर के बारे में बताया गया है और आपको तरह तरह की पेंटिंग्स, तरह तरह के स्कल्पचर्स दिख जाएंगे। और आप पूरा इसमें देख सकते हैं कि पंजाब की पिछला जो प्राचीन काल का पंजाब है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपके आज तक ले सकते हैं। और इसमें पूरा पंजाब दिखाया हुआ है। पहला Thank you.
लाला लाजपत राय। रविंद्रनाथ टैगोर सबको श्रद्धांजलि दी हुई है ना। लेफ्ट साइड से ही है गैलरी नंबर टू के लिए रास्ता। जैसे हम गैलरी नंबर एक से बाहर निकलते हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड में पाथवे है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं गैलरी नंबर टू के अंदर। तो जब तक हम गैलरी नंबर टू तक पहुंचते हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हम आप पहुँचे हैं गैलरी नंबर टू में। कुछ लोग ऐसे भी सन जो अंग्रेजा के वास्तविक चरित्र को जानते सन, इस लिए उन्होंने न सिर्फ युद्ध के यत्न का विरोध किया बल्कि अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों भी जारी रखी। लखा पारियों कई जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया। सब तो वध भर्तियां पंजाब तो कीतियां गई। भारतीय उद्योगों को युद्ध समग्री का उत्पादन करने लिए मजबूर किया गया। अनाज की कीमतों में दर्जन गई अंग्रेजों के वफादार राजकुमार तालुकदार जिलेदार आदि किसानों का शोषण कर शून्य कर दिया। भारतीय सरकार ने महाविद्यालय के अंग्रेजों कई लड़ाइयों में जीत हासिल की। फिर भी भारतीय राजनीतिक नेता इस वहम के साथ कि भारत भी राजनीतिक तौर पर सत्ताधारी होगा, बस उनकी ये उम्मीद छेती ही टूट गई जब इनाम के तौर पर गैलरी टू से निकलते ही हम पहुंच गए सेकंड हॉल में। वहाँ पे हमें तरह तरह के एनिमेशन के साथ तरह तरह की हैंड रिटन नोट्स और वो हमें शो किए गए हैं। और एनिमेशन हमें प्रोजेक्टर के थ्रू हमें बताया जाता है कि कैसे कैसे भगत सिंह की लाइफ के बारे में, जनरल डायर के बारे में, और मतलब जो भी हत्याकांड से रिलेटेड था वो सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के थ्रू शो कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छे एनिमेशन यूज़ किए गए हैं जो कि आप प्रोजेक्टर के थ्रू आप वॉल्स पे देख सकते हैं। उसके बाद हम गैलरी हॉल में एंट्री, हॉल नंबर 3, यहाँ पे
सिंबल सिंह, सुंदर सिंह, चंदन सिंह, उत्तम सिंह, जनरल डायर। गैलरी नंबर 3 से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, अपने लेफ्ट साइड में हम मुड़ते हैं, आगे जाके हमें वो कुआं दिखाई देता है। वो कुएं की तरफ आपको लेके चलते हैं, जहाँ पर हजारों सैकड़ों लोग जो कि कुएं में कूद गए थे जब फायरिंग स्टार्ट हुई और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला निकलने का। उस कुएं की तरफ आइए देखते हैं, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और उन्हें कोई बचने का रास्ता नहीं मिला और लगातार मौत की घाट करते रहे। यहाँ पे हैं देखो वो बुलेट्स मार्क जब जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, दीवार पे वो मार्क्स आज भी क्लियरली देखे जा सकते हैं। गैलरी नंबर 3, ये किसके रिगार्डिंग बना रखी है देखते हैं जाके। गैलरी नंबर 3 गैलरी नंबर पंजाब, क्रूरताएं लाहौर, जनसंहार की खबर, डायर की बरी किया। लाहौर तक पहुंच गई गल, लाहौर
देखे इत भी गोलियां चलाई निशान है गया। हाँ नीवा सी ना वो फिर भर्ती तो करनी पैनी सी। हाँ लैवल उच्चा करता ना ये पहुंच गए हम सॉल्वेशन ग्राउंड। सॉल्वेशन ग्राउंड है ये के हो तो चलना ना मिले ना टाइम जीवन एक संघर्ष है चाहे वह किसी मनुष्य को या राष्ट्र का। अश्विनी राम ने मुमताज किचलू को लिखे पत्र के अंश। इंडियन माय कंट्री मैन बिकम वन नेशन होल्ड द स्वॉर्ड होल्ड द स्वॉर्ड होल्ड द स्वॉर्ड बाय भगवान सिंह। प्रीतिपाल सिंह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हम बुलबुले हैं, इसकी गुलसिता हमारा मोहम्मद इकबाल। Take a pledge on your life, you will remove slavery from Hindustan. Kappa. Gaddar ji gun. हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय ने वर्ड बोले थे। मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूं? यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले तो मैं सारे राष्ट्र जीवन राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बान कर सकता हूं। करतार सिंह सराभा। शुभम लगता है राष्ट्रपति भक्ति में खो गया है। चलो जी, सेलिब्रेशन ग्राउंड के बाद हम चले हैं जो अमर ज्योति है उसकी तरफ। अमर ज्योति से पहले भी एक गैलरी है, गैलरी देखिएगा। पंजाब की मिस्ट्री में राष्ट्रवाद के प्रति लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, मदन लाल ढींगरा, अचार सिंह चीमा चीना, इंदर सिंह बेरका, care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I do not expect to die. I am proud to die. Shahid Bhagat Udham Singh. गैलरी नंबर चार से एग्जिट करके हम सीधा पहुंच जाते हैं अमर ज्योति के पास।
दिस इज द फाइनल ट्रिब्यूट टू जलियांवाला बाग शहीदों को नमन अमर ज्योति। अमर ज्योति के बाद अपना खत्म हुआ व्लॉग है। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।